घंटे के बाद आपके घर पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। सॉरी। ओके। अरे अरे अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं तो फिर बताना भाई सॉरी क्यों? देखिए आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं नहीं। तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ना, तो बुरा लग रहा था। ओके ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, एक घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना तो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों एक घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं उतनी फुर्सत कहाँ है। एक घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। नहीं कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर एक घंटे के बाद मिलना है। अच्छा तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेन्द्र। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी? तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं रहे भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओह ओह गुड, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओह अरे कोमल भाभी आपको डरने की क्या जरूरत है, अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेंगी। भूसका मार के? भूसका भूसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ओह ग्रेट, हाँ तो चलेगा। और मैं आप सबको दो दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, ये तो बहुत मजा आएगा। लेकिन वहां सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा ऑड लगेगा ना वो कपड़े स्विमिंग के। तो डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में एक से तीन की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहां पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है, पर दया भाभी आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भूसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर? मगर से? भाई गो मगरी बराबर। दया भाभी कुएं में मगर? मगर मतलब क्या है, मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं, तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी। और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब देवबिन आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं मुझे आता है तैरना, 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं कहीं नहीं। अरे बस तो फिर ये तैर रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख ले। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है, उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है। ए, वो सब तो ठीक है, पर हम लोग
लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी? चलो अभी जगह खरीदते। भैया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ, क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? आप घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बताना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं नहीं देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फोन रखती हूँ। दया बिना घड़ी के लोला की तरह बात को लटकती छोड़ दी, घर पहुँचने तक बेचे नहीं रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा। हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही वही। एक मिनट, ये कार्ड मेरा ही है ना? हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके थैंक यू। स्विमिंग सीखने? अरे क्या वेट ला लेगा माधवी, और वो भी इस उम्र में? अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है। मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन? देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं वो जो कुछ भी हो नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना मतलब। कोमल भाभी आप भी क्या, भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भिड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये, बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है, मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट, मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया, थैंक यू। और हाँ माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए दवा लिख दी है, इसको लीजिए, फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब।
हाँ भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक जी जी। हंस हंस सुनो ना, बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस मैं पूरे दिन का खाना बनाकर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस यहाँ भी खाना। ओए रब्बा। ओए पापा जी। सुन रोशन। सुना रोशन, की गल है, आज बड़ी रोमांटिक शोमांटिक मूड में लग रही है। रोशन मेरे को ना तेरे से एक बात की परमिशन लेनी है। ओए रोशन तुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? हा? तेरे को जो करना वो करना। ठीक है तो कल से मैं स्विमिंग के लिए सिल्वर क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सुना है स्विमिंग करने से लोग काले हो जाते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। लेकिन मैं तुझे स्विमिंग की इजाजत नहीं दूंगा। रोशन अभी तो तूने कहा था कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं यार। रोशन तुझे मालूम है स्विमिंग करना ना बहुत जरूरी होता है। ओए रोशन स्विमिंग सीखना इतना जरूरी क्यों है? रोशन तूने वो फिल्म देखी ना 2012 में आखिरी दुनिया ना डूब जाने वाली है और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। ओए रोशन ओए अपनी सेफ्टी के लिए तू स्विमिंग सीख ले यार। सच्ची थैंक यू रोशन, आई लव यू सो मच। आई लव यू 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो बता स्विमिंग कब से सीखने जा रही है? कल से। ओके चल जा फिर मौज कर हां सेफ्टी के लिए। ले टप्पू कल से हमारी मम्मियां स्विमिंग सीखने जाने वाली है, हमें भी जाना चाहिए ना स्विमिंग सीखने। ए पेटू तुझे तो ऐसे इतनी भूख लगती है, अगर तू स्विमिंग करेगा तो तुझे डबल भूख लगेगी। हाँ और फिर तू डबल खाएगा और तू खा खा के ज्यादा मोटा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी मम्मी के स्विमिंग का टाइम 1 से 3 का है और उस वक्त तो हम स्कूल में होंगे। हाँ वैसे भी स्कूल ट्यूशन में हमारा बहुत टाइम जाता है। हाँ और बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा वक्त खेलने मिलता है, और अगर ये सब सीखने जाएंगे तो खेलेंगे कब? बिल्कुल यू आर राइट। हम जो कुछ भी सीखेंगे सब वैकेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स। ओके। आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं आपकी राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया। बोल बोल बोल। क्या बोलू? अरे वाह बबीता जी की मीटिंग में क्या बात क्या हुई बोल। हाँ हाँ मैं आपको वही बताने के लिए राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया ना अभी बोल चल। हाँ हाँ बबीता जी है ना। हाँ है ना। हाँ तो बबीता जी ने सिल्वर क्लब में स्विमिंग सिखाना चालू किया है। बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है? हाँ हाँ और उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बबीता जी स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ सीखना है सीखना है। अरे तैरना क्या बबीता जी, डूबना सिखाएगी तो मैं वो भी सीखने को तैयार हूँ। तो मैं बबीता जी को हाँ बोल दूँ ना? अरे हाँ बोल दे दया। हाँ बोल दे। थैंक यू बेंसनॉट। मुझे तो लगा कि आप मुझे जाने से मना करोगे। अरे मैं क्या पागल हो जाऊँ ऐसी बात में मना करूँगा? बोल बोल कभी है सीखने का कभी चालू करने का? अरे कल से ही दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट नहीं दुकान पे ले जाऊंगा फिर घर पे आऊँ। नहीं नहीं एक काम करता हूँ मैं सीधा दुकान से ही पहुँच जाऊंगा उधर सीधा। कहाँ? सिल्वर क्लब। नहीं नहीं आप नहीं आ सकते। क्यों? बबीता जी सिर्फ लेडीज को सिखाने वाली है और
आप कहाँ लेडीज है? मतलब ये स्विमिंग सिखाने का जो ऑफर है वो सिर्फ लेडीज के लिए? हाँ। जेंट्स के लिए नहीं? ना। तो गड़बड़ है दया, सॉरी तू भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो लेडीज हूँ। दया जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तू भी नहीं जा सकती बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कहिए तो सही क्यों? क्यों? दया हमारे गड़ा खानदान की औरतें ऐसे अकेला स्विमिंग सीखने नहीं जाती। अरे लेकिन मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, सोसाइटी की सारी लेडीज के साथ जा रही हूँ। दया नहीं मतलब नहीं। क्या भाई, क्या नहीं? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे बापूजी देखिए ना, बबीता जी हम सोसाइटी की सारी लेडीज को स्विमिंग सिखाने वाली है, पर टप्पू के पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्या ये क्या घर की स्विमिंग सीख क्या बाबूजी? घर में ऐसे तैरते तैरते ऐसे चाय लेके आएगी, ऐसा स्विमिंग करते करते रोटी परोसेगी, कोई फायदा नहीं स्विमिंग सीखने का। या बबूचक, हर इंसान को तैरना आना ही चाहिए। आपको आता है? हाँ। कभी सीखा आपने? बचपन में। बताया नहीं आपने? तू था तब। बापूजी आपको स्विमिंग आता है? हाँ तो, अरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ हमीरसर तालाब में तैरने जाता था। अरे पानी में ऐसी छलांग लगाता था कि सीधा 50-60 फीट दूर निकलता था। आया बड़ा, आपने कब सीखा? लेकिन बाबूजी, बहू जाएगी। ये दया तो जाएगी कल स्विमिंग सीखने, मेरा क्या? मुझे भी बबीता जी से स्विमिंग सीखना, क्या करूं? मेहता साहब, बबीता जी स्विमिंग सिखा रही हैं, ये सुनकर जेठालाल इस कदर खुश हैं जैसे पहली बारिश में मेंढक उछलता है। वैसे बबीता जी को देखते ही जेठालाल बिल्कुल पंख फैलाए मोर की तरह कई प्रकार के करतब दिखाने लगते हैं, और अब ये स्विमिंग वाली बात पे तो पता नहीं क्या क्या कर बैठे। वैसे मुझे लगता है कि जेठालाल इस स्विमिंग पूल में जरूर कूदना चाहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। ठीक वैसे ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में बिना टेंशन के एक भी दिन गुजारना। लेकिन हम टेंशन की बात क्यों करें, हमारे लिए तो आपको हंसाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन अभी मुझे एक टेंशन जरूर है, क्योंकि जेठालाल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड यानी कि तारक मेहता यानी कि मेरे पास निश्चित तौर पे आने वाले हैं। अब देखते हैं जेठालाल के इस स्विमिंग पूल की कहानी में हास्य की कितनी लहरें हैं आपके लिए। गिनते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे अंजलि भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, और जिसे स्विमिंग आती हो उसे भी रोज करना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। तुम्हें तो जाना ही चाहिए, काहे की परमिशन? थैंक यू। You're welcome, madam. आप कितने अच्छे पति हो, मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते। अरे अच्छा पति वति कुछ नहीं होता, बात होती है समझदारी। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए जीवन में, हमें चाहते हैं कि नहीं। और तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करूँ तो कौन करेगा? आप जैसी समझ दुनिया के सारे पति में हो ना, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने। भाई जीवन में जितने अधिकार पति को है उतने पत्नी को भी है, ये समझना चाहिए पतियों को, लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। असल में एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि पत्नी पति से कम नहीं है। दुनिया भर के सारे पति को आप जैसे समझदार पति होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे जेठा भाई आइए। अरे आइए आइए हुजूर, आज रात के वक्त यहाँ तशरीफ कैसे?
वो आपसे कुछ बात करने थे तो मैं बोला। हाँ बोलो। वो बोलो ना चिट्ठा भाई। अरे अंजलि भाभी कुछ आज जूस बूस नहीं पिलाएंगे? बहुत दिन हो गए आपने अपने हाथों से बनाया होगा जूस नहीं पिलाया मुझे। ओह माय गॉड, आप जूस पियोगे? फिर तो अभी ताजा बना के लाती हूँ। भाई जेठालाल तुम्हारी ये बेचैनी भरी बॉडी लैंग्वेज ये उत्सुकता साफ बता रही है कि तुम जूस पीने तो नहीं आए। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या समझदार, आप कितने होशियार है, आप मेरे हर सवाल का जवाब हो। अच्छा आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, प्रॉब्लम घर के बाहर की है ना? कैसे पता चला आपको? भाई जाहिर सी बात है, अगर घर की कोई प्रॉब्लम होती ना तो तुम बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह आते और यहाँ सोफे पे ऐसे आराम से बैठे होते, अरे स्प्रिंग की तरह उछल रहे होते। बोलो क्या बात है? क्या बात है मेहता साहब, क्या बोलते हैं, परफेक्ट जजमेंट। चलो अभी अंजलि भाभी है उसके पहले बात मैं जरा कर लूं। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जेठालाल हर इंसान को लाइफ में एक बार स्विमिंग जरूर सीखना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि बबीता जी से स्विमिंग सीख लूं। मेहता साहब आप तो दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है आपको हिमालय में मिलने आना पड़ेगा। अब तुम हिमालय में भी चढ़ जाओ ना तो बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख सकते। क्यों? क्यों क्या भाई, बबीता जी 1-3 के बीच में स्विमिंग सिखा रही है। तो मुझे वही टाइम सूट होता है मेहता साहब, क्या 1-3 में ग्राहकी कम रहती है तो मैं 1-3 में ही जा सकता हूँ सीखने के लिए। आपको तो सूट होता है लेकिन जो स्विमिंग पूल के रूल्स है उनको सूट नहीं होता, क्योंकि 1-3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? अरे क्यों क्या, रूल है उनके। अरे ऐसा कैसा, जो मन में रूल बना दिया ऐसा थोड़ी चलता है मेहता साहब। नहीं मतलब हम जैसे जेंट्स जिनको 1-3 का टाइम मफक आता है वो लोग क्या करे है? क्या 1-3 में अलाउड नहीं है तो क्या स्विमिंग सीखा ही नहीं है? क्या जेंट्स लोग आदमी नहीं है, उनको उनको भावना नहीं है? अरे हम जैसे जेंट्स कौन सा स्विमिंग पूल का पानी खटखटाए। अरे भाई उस स्विमिंग पूल में जाओ जो स्विमिंग पूल यूनिसेक्स हो। क्या हो? अरे यूनिसेक्स मतलब जहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ एक समय में दोनों अलाउड हो। भाई कई जगह रूल्स होते हैं, वहाँ उस समय पे नहीं आ सकते जेंट्स, तो नहीं आ सकते। यूनिसेक्स सलून होते हैं, जिम होते हैं, वैसे स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ दोनों आ सकते हैं। ओ भाई वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इधर 1-3 में बबीता जी के पास स्विमिंग सीखना है भाई, बस उसमें आप मेरी मदद करो बस। अरे क्या मदद करो, क्या स्विमिंग पूल के रूल्स चेंज करा दूं? ये आइडिया अच्छा, करो करो। अरे क्या हाँ का आइडिया अच्छा, मैंने नहीं बनवाया स्विमिंग पूल, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, श्योर श्योर। ये दोस्ती, यही दोस्ती। बोलो 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 बोलो, कट्टी लीजिए, लौकी का ताजा जूस तैयार, इनको पिलाओ, मैं जा रहा हूँ अब्दुल की दुकान पे, इच्छा हो तो आ जाइएगा। अरे जेठालाल। अरे जेठा भाई को क्या हुआ? अब अरे हाँ घर से लौकी की सब्जी खा के आया था और तुम लौकी का ही जूस ले आई तो गुस्सा हो गया वो। ठीक है तो अब दोनों आपको पीने पड़ेंगे। बबीता जी हेलो, बबीता जी हाय जेठा जी, कुछ कहना है आपको? हाँ वो जेठालाल चलो सोडा पीने, बाद में कोई बात। ओके आज मैं जीतूंगी। अच्छा सुनो बस करो। हाँ बाबा।
थक जाओगे तो कल फिर स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। और प्लीज कल सब टाइम पे सिल्वर क्लब पहुंच जाना, ओके? अरे डोंट वरी बबीता, हम लोग सब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? पहुंच जाएंगे ठीक टाइम पर। और वैसे भी बच्चे तो स्कूल में गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माधवी भाभी, कल के अचार पापड़ का ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म कर देना। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो कल के ऑर्डर आज ही पूरे कर दिए। अरे और प्लीज सब अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूलना नहीं, ओके? वाह मेहता साहब वाह, आपका आर्टिकल पढ़ा, 26 नवंबर के मुंबई अटैक पर आपने जो लिखा है ना, वो सारी बातें दिल को छू गई। मतलब उस आर्टिकल में सारी बातें थी, मतलब तंज कसना, व्यंग, जागरूक नागरिक का फर्ज, मतलब एकंदरीत बहुत बढ़िया आर्टिकल था। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है क्या बात है मेहता साहब, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था, कमाल का व्यंग है आपके लेखन में। ओहो आइए। थैंक यू। वो मुझे बोल रहा है तो तुम थैंक यू बोलो। आइए आइए जेठा भाई, अब्दुल जरा सोडा पिला। हाँ मेहता साहब, आपका ग्लास कहाँ है? नहीं भाई, आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा ना। क्यों भाई मेहता साहब, आज आपने सोडा पीना कैंसिल क्यों कर दिया? अरे ये इन महाशय की वजह से। पूछिए क्यों? क्यों? अरे शाम को घर पे आए थे, कहने लगे अंजलि से कि भाभी आज कुछ पिलाइए, तो अंजलि ने लौकी का जूस बनाया, और जब लौकी का जूस सामने आया तो फिर निकल लिया कि मैं तो नहीं पीता। और अंजलि को तो आप जानते ही हो कि कुछ भी चीज वेस्ट तो होने ही नहीं देती, इनके हिस्से का भी लौकी का जूस मुझे पीना पड़ा, दो दो ग्लास पी के आ रहा हूँ। अरे तो आप मुझे कैसे भूल गए, अब मुझे बुला लिया होता। ओ कोई गल नहीं डॉक्टर आती, और मैं तो साहब के हिस्से का सोडा तू पी ले यार। सही बात है, हिटरा तो आने दो। लो लो लो, रेडी है लो। ऐश करो ऐश। ओए आज तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें करेंगी स्विमिंग पूल में जाकर। वैसे दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों की एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौन सी बात मेहता था? अरे भाई इनकी बॉन्डिंग की बात, इनके आपस के रिलेशन की बात, इनकी एकता की बात। देखो ना सब काम मिलकर कैसे एकता से करती हैं, कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ती नहीं है, रूठती नहीं है, एकदम एक होके रहती हैं। ये तो है। हाँ मेहता साहब ये आपने बिल्कुल सही कहा, इस मामले में औरतों को 100% मार्क्स देने चाहिए, चाहे वो अहमदाबाद जाकर चनिया चोली की शॉपिंग करनी हो, चाहे स्विमिंग पूल में जाना हो, या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई कार्यक्रम हो, औरतें हमेशा साथ में रहती है। इसलिए भाई मेरा तो ये मानना है कि औरतें गॉसिपिंग करके लड़ाई करती है, ये सोचना ही हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एकता तो हम में भी है। हाँ है ना, लेकिन औरतें जीतनी नहीं, हमारी एकता यहाँ पे आके सोडा पीने तक ही सीमित। तो हम सब मिलजुल के एक साथ अपनी एकता दिखा देते हैं। वो कैसे? ओ पार्टी जाटी करके। बोलना थोड़ी बोलना। एक बार मुर्गा सुबह उठकर कुकड़ू को करना भूल सकता है, लेकिन तू मौका मिलते ही पार्टी शार्टी की बात करना नहीं भूल सकता। तो क्या बोल रहा है तू? और जब पार्टी शार्टी होती है तो सबसे पहले वहाँ चौकड़ी मार के बैठ के, और ये तेरा स्टाइल है ये आया ऐसे कौन करता है? सबसे पहले बात करता है। देख सोड़ी, बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही है, बात एकता की हो रही है। नहीं नहीं, वो क्या मुर्गा और मैं बांग, क्या कौन देगा मुर्गा और कौन पकेगा बांग, क्या बोल क्या रहा था तू? तू गलत सोच रहा है, नहीं क्या बोल रहा हूँ। देख लीजिए हाथी भाई एकता का प्रदर्शन। एक मिनट, देखिए हम सब मर्द लोग मिलजुल कर अपनी एकता दिखा सकते हैं, पूछिए कैसे? कैसे? कल हम सब मिलजुल कर एक साथ सिल्वर क्लब में स्विमिंग करने जाएंगे। भाई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह 7 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाते हैं। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पोपट, हम लोग 9 बजे जाते हैं। 9 बजे भी जल्दी हो जाएगा, मेरा ट्यूशन होता है 9 से 11 बजे चलते हैं ना। एक मिनट, 7 नहीं 9 नहीं 11 नहीं, 1 से 3 के बीच में जाते हैं, सब लोग फ्री रहेंगे, मजा आएगा। 1 से 3। जेठालाल 1 से 3 के बीच तो जा ही नहीं सकते, वो लेडीज लोग का टाइमिंग है। अरे लेडीज टाइम छोड़ो, वो लंच टाइम है। नहीं नहीं भाई, एक कुछ भी हो जाए मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर रहूंगा। बबीता जी मैं कल आ रहा हूँ स्विमिंग सीखने।
मान गया वो लोग, बोला कोई बात नहीं आप जा सकते हैं, चलो अभी सिखाइए मुझे है? चलो चलो रेडी। अरे वाह कितना अंदर है, बहुत अंदर है, ठंडा पानी। एक मिनट रुक जाइए बबीता जी, रुक जाइए पहले मुझे। अरे ओ आप मुझे स्विमिंग सिखाने वाले हैं ना, तो आप मेरा गुरु हुए, तो मैं आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन भूल गया कि हम दोनों पानी में खड़े हैं, तो थोड़ा पानी पी के हमें अच्छा है ना पानी। हाँ ठीक है अभी कोई बात नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्विमिंग सीख जाऊँ है, और आपकी तरह एक दिन मैं भी सबको स्विमिंग सिखा सकूं। अभी स्विमिंग करें? अभी क्या करना है? पहले बैलेंस कीजिए अपने आप को। अच्छा ओके अच्छा अच्छा ये पानी बाजू हटो, ऐसा ये पानी बाजू हटो, अरे तो इसे आसान है एकदम ऐसा। बहुत मजा आता होगा नहीं बबीता जी? हाँ पहले तो स्विमिंग सीखना पड़ता है, उसके बाद ही नहीं ना मुझे ये तो आ गया ना, अभी मुझे डाइव मारना सिखाओ प्लीज। अरे आप नहीं कर सकते। अरे डाइव मारना सिखाना क्या क्या, मैं आपका डाइव मार के दिखाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया होते, ये तो आ गया बड़े बड़े जी। अभी मैं अभी डाइव मार के आता हूँ उनको। अरे स्विमिंग पूल में कारपेट, पानी कहाँ गया? अरे अब खड़े क्यों हो गए? कुछ नहीं पानी चाहिए। टोपी बेटा ऐसा मत करो, ये भगवान क्या करूं ये लड़कियां का मैं, अरे ऐसा मत करो बेटा। अरे अरे टप्पू टप्पू क्यों परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को? देख बेटा ऐसे शरारत नहीं करते। अरे शरारत करना तो आसान है, सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप को तंग नहीं करते, सब लोग उसी की वाह वाह करते हैं, समझा? सॉरी दादाजी, टप्पू आपकी बात याद रखेगा। टप्पू सिर्फ याद ही मत रखना, उसको अमल में भी लाना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र दादी। जय। अरे अरे टप्पू रे ये बैग तो लेके जा। दे दी। ए टप्पू। ए टप्पू। अरे दया रुमाल कहाँ रखा है? हाँ देती हूँ। हेलो। अचानक खांसी कैसे शुरू हो गई? किसका फोन हुआ? शुरू हो जा। माँ कैसी हो? माँ आज हम सारी लेडीज सिल्वर क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली है। हाँ वो हमारे बबीता जी है ना, वो हम लोगों को स्विमिंग सिखाने वाले हैं। पर्स देती हूँ। क्या? नहीं नहीं हम सिर्फ लेडीज है ना, इसलिए गुब्बारा साथ में नहीं आएंगे। गुब्बारा? गुब्बारा ये मेरी सास को 20-25 गुब्बारे के साथ बांध कर ऊपर आकाश में छोड़ देनी चाहिए, और फिर प्लेन में जाकर हर एक गुब्बारे में से टाचनी मारनी चाहिए। दया एक मिनट फोन चालू रखो। बा एक मिनट लेडीज पर्स। ओ सॉरी माँ के फोन में तो ये दीवानी हो जाती है। एक मिनट चालू रखो प्लीज। ठीक है
जय जिनेन्द्र। एक मिनट चालू रखो। जय जिनेन्द्र। तो मैं क्या कहती हूँ कि बबीता जी कहती थी कि वो क्या स्विमिंग करती है। वो जब स्विमिंग करती है ना तो लोग देखते रह जाते हैं। देखना है भाई, मुझे भी देखना है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पता है एक बार बबीता जी के साथ क्या हुआ? अरे टप्पू स्कूल गया है। हाँ हाँ, टप्पू मजे में है। सुनना, बबीता जी ने एक बार स्विमिंग पूल में 30 फुट ऊपर से भूसका मारा। फिर 5 मिनट तक अंदर ही रहते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या करूं बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए, क्या करूं? क्या मेहता साहब ने भी हेल्प करने से मना कर दिया? एक काम करता हूं ना, डायरेक्ट बबीता जी से बात करता हूं। भाई मैं यानी कि तारक मेहता, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ जेठालाल का, ये आप जानते हैं। और मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड हूँ। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, हमेशा मदद करता हूँ, सलाह देता हूँ। लेकिन आज मैंने भी मना कर दिया। भाई मैं कैसे हाँ भर दूं कि 1 से 3 के बीच जब जेठालाल को स्विमिंग सीखने के लिए जाना है, और वो भी तब जब वो सिर्फ औरतों का समय है। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ इस मामले में? लेकिन जेठालाल कहाँ मानने वाले हैं? अब वो बबीता जी के पास पहुंचने वाले हैं कि वो कुछ मदद कर दे। भाई जब किसी की नादानी समझदारी पे भारी पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। अब बबीता जी उन्हें क्या जवाब देंगी कोई नहीं जानता। और अभी गोकुलधाम की महिलाएं स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली, और अब जेठालाल इस वक्त में पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं आप सोच सकते हैं। ये सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे आंख बंद करके कार चलाना। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन कितने भी एक्सीडेंट हो आपके लिए तो एक ही चीज है, हंसी ठहाके। अब ये जो स्विमिंग पूल है हास्य का, इसमें डुबकी मारने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे जेठा जी, हाय। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। कम इन, आइए 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 आइए। अय्यर भाई बाहर गए? नहीं, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, वो आप दिखे नहीं इसके लिए पूछ रहा था। तो अब दिख गया ना? बबीता, वो बैंक का मैनेजर हेड ऑफिस चला गया तो आज भी हमारा काम रह जाएगा। प्लीज हरी अप। हाँ जेठा जी, बताइए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बबीता जी। किस लिए? अरे आपने बताया नहीं क्या? अरे बबीता जी स्विमिंग का टीचर बन गए हैं, सबको ऐसा ऐसा तैरना सिखाते हैं। तो इधर मैं बताने का क्या है जेठालाल? अरे भगवान ने वो क्या बोलते हैं, इतना स्पेशल हो, टैलेंट टैलेंट दिया है तो होता, बताना तो चाहिए ना भाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, चेस में चैंपियन, डिबेट में भी चैंपियन, मैथमेटिक्स में ऑलवेज नंबर 1। बबीता जी, नहीं ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सब टैलेंट मेरे में कूट कूट कर भरे हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरा को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करोगे? अरे हाँ, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई। थैंक यू। ओके अब चलो। एक मिनट यार भाई, एक मिनट, एक और बात बबीता जी आपसे करनी है। क्या? एक दो मिनट जरा शांति रखो, बोल रहा हूँ। बबीता जी वो ऐसा था क्या, दुकान में पूरा दिन बहुत घराकी रहती है, तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, ओ लंच टाइम जिसको बोलते हैं, तो वो टाइम में क्या होता है, बहुत ग्राहक लोग नहीं आते क्या, धूप में निकलते नहीं कोई खरीदी करने के लिए, तो थोड़ा वो 1 से 3 का जो टाइम है ना उसमें थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ओ 1 से 3 के टाइम में और फ्री टाइम में कुछ टाइम का उपयोग करें, मतलब
मैं एक से तीन में ओ क्या स्विमिंग सीख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं सर। हाँ बबीता, अरे एक से तीन में यह स्विमिंग कैसे सीख सकता है? क्यों नहीं सीख सकते? हाँ क्यों नहीं सीख सकते भाई? अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन, बबीता जी ने बोल दिया। बबीता जी थैंक यू, बबीता जी थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पहले मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबरामण हो रही थी कि पता नहीं आप ना बोलेंगे तो, लेकिन आपने तो हाँ बोल दिया। वाह एक से तीन मजा आएगा। तो ठीक है, मैं 1 बजे सिल्वर क्लब पहुँच जाऊंगा, आप आज से मुझे स्विमिंग सिखाना शुरू कर देना। अरे नहीं नहीं, मैं आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लब में 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए है। अभी आपने बोला ना 1 से 3 में मैं सीख सकता हूँ। हाँ पर मुझे नहीं पता था कि आप सिल्वर क्लब की बात कर रहे हो, मुझे लगा आप जनरली कहीं किसी और जगह सीखने की बात कर रहे हो। अरे कहीं और सीखने की बात मैं आपसे क्यों करूँगा? क्या कुछ नहीं भाई। जडालाल हमको बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है, तो फिर आप चलो। हाँ ठीक। निकलो। सॉरी हम बबीता जी, ओ मैं भूल ही गया 1 सेकंड के लिए, मैं आपका घर में बैठा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो निकलता हूँ। ओके यार भाई चलो। सॉरी जगह कम है ना, उसमें धक्का लग गया। सॉरी है। ये कैमरा एकदम लेटेस्ट है भाई साहब, फंक्शन तो इतनी इजी है कि बच्चा भी यूज कर सकता है। अंकल मुझको ऐसा कैमरा चाहिए, इसका जूम एकदम पावरफुल हो। अच्छा अच्छा, तो ऐसा बोलो ना बेटे कि जूम पावरफुल चाहिए। ये देखिए इसका जूम बहुत ही पावरफुल है, हमारे सेठ जी भी यही कैमरा यूज करते हैं, है ना सेठ जी? आप भी यही कैमरा यूज करते हैं ना? हाँ। इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया बढ़िया, पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा? ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? पर्सनल यूज के लिए चाहिए। जाएगा उधर तक जूम, कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई। क्या बॉस आप भी। अंकल कितने का है कैमरा? सिर्फ 8,200। ठीक है दे दो। लीजिए एक मिनट। ठीक है ठीक है। ओके बॉस थैंक यू चाचा। ओके हाँ जी। क्या सेठ जी आप भी ग्राहक के साथ ऐसी बात करते हैं? अरे वो कैमरा कैसे भी यूज करे, हमें क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ कैमरा बेचने से मतलब है। सेठ जी क्या बात है, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? आपका मुंह साफ चाड़ी खा रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है। सेठ जी अभी 2 मिनट में मैं आपका मूड ठीक कर देता हूँ। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। धंधे के टाइम पे क्या गेम खेलते हैं? धंधा हुआ ना, अभी कैमरा बेचा ना, मैं आपको जो जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। तो चलिए गेम अब शुरू होती है। 1, 2, 3। आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? बोलिए बोलिए सेठ जी, आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? हाँ। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं? हाँ। आप दिलदार हैं? हाँ। आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? हाँ। हाँ बोल दिया, अभी आपको मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी, गेम खत्म। लेकिन आपने बोला ना ये गेम है तो गेम में। अरे गेम हो या हकीकत हो, सेठ जी मर्द अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा बस। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। नटू काका इसमें अभी मेरी बारी आएगी नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। तैयार 1, 2, 3। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक आपके बगैर चल सकता है ना? आप हिसाब में कच्चे हैं ना? आप काम चोर हैं
ना। आपको अपनी पकड़ बढ़ानी है ना। अभी ये गेम खत्म हुआ। गेम खत्म। पौना एक, दया स्विमिंग सीखने के लिए जा रही होगी शायद। फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ दया, घर पर ही है? हाँ, क्यों? नहीं मतलब स्विमिंग सीखने नहीं गई? थैंक यू। थैंक यू क्यों? अरे आप मेरी इतनी फिकर जो करते हो, मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। ख्याल तो रखना पड़े ना भाई। अच्छा बोलिए, कॉल क्यों किया था? बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं आपको बिना कुछ काम के ऐसे ही फोन करती हूँ तो आप क्या करते हो? क्या करता हूँ? आप मुझे डांटते हो। तो तू भी कभी मुझे डांटना चाहती है? बच्चे जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे को भी ऐसा मत बोलना। मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति को डांटना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बस इतना ही समझना है कि जब भी मैं आपको फोन करूँ तब आप मुझे डांटना मत। मेरी बिलिंग को समझना। बिलिंग? अरे भावना, लागणी। अरे वो बिलिंग नहीं, डबी पीलिंग, पीलिंग। अच्छा लेकिन आप समझ गए ना। बस अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे स्विमिंग के लिए निकलना है। हे भगवान, कहाँ रह गए ये लोग? अरे कोमल भाभी, कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी चलो। अंजलि भाभी मैं तो आ गई, बाकी सब कहाँ हैं? दया भाभी? अरे कोमल भाभी मैं यहाँ हूँ। आ गई दया भाभी। सॉरी अंजलि भाभी। बहुत सॉरी। पानी क्या इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबका। दया भाभी आपको इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी, वो क्या है, नाश्ते के लिए कचौरी और खाखरा पैक कर रही थी ना, तो उसमें देर हो गई। अरे नाश्ता वो कुड़ाई माधवी भाभी जल्दी चाहिए। हाँ। अरे दया भाभी, हम लोग वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अब नाश्ता ले ही लिया है तो पिकनिक भी कर लेंगे। नहीं तो रास्ते में आते जाते नाश्ता कर लेंगे। रोशन भाभी, इतनी देर क्यों हो गई आपको? हाँ अरे अंजलि भाभी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो कब से तैयार थी बाबा, माधवी भाभी को बोलो एंड मोमेंट पे अचार पापड़ के सैंपल बनाने बैठ गई थी। अरे वाह, अचार पापड़ के सैंपल स्विमिंग पूल में क्यों? अरे अंजलि भाभी, वहाँ पे बहुत सारी औरतें आएंगी ना स्विमिंग के लिए, तो उनको अचार पापड़ का सैंपल दे सकती हूँ ना मैं। बराबर है। अरे माधवी भाभी, आप वहाँ स्विमिंग सीखेंगी या अचार पापड़ के सैंपल देती रहेंगी? मैनेज मैं कर लूंगी मैनेज। अरे बाबा अभी तो आप सब लोग आ गए हैं ना, तो फिर जल्दी चलिए। हाँ, मैं तो पानी में भूसका मारने के लिए एकदम तल पापड़ हो रही हूँ। क्या, कौन से पापड़? अरे मतलब उत्साही हो रही हूँ। हम तो वो बबीता जी है ना जो यहाँ पे स्विमिंग सिखाती है, उनसे मिलने आए हैं। कहाँ है बबीता जी? वो रही। ऐसे या स्ट्रेट हैंड। ओके या बबीता जी।
भाभी आप जब मरती ना तो पूल में से सारा पानी बाहर आ जाता। सॉरी आपको बुरा लगा, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक कर रहे थे। अरे दया भाभी मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा जो इंसान खुद पे हंस सकता है ना वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। अरे हाँ एकदम साची बात है। देखो जरा ये स्विमिंग करते वक्त बबीता जी तो एकदम जनपरी जैसी लग रही है। हाय जो अगर बबीता जी आ गए। हेलो बबीता जी, सिल्वर क्लब की स्विमिंग कोच आप सबका क्लब में स्वागत करती है। थैंक यू। क्या बात है बबीता जी, आप तो स्विमिंग करते वक्त एकदम जलपरी जैसे लग रही थी। आप सब भी जब पानी में आओगे ना तो आप भी जलपरिया लगोगी। बबीता ये सब तो जलपरी लगेंगी लेकिन मैं गोल्ड ट्यूब लगूंगी। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप भी रोज के रोज स्विमिंग करोगे ना तो हम लोगों के माफिक पतली हो जाओगी। अच्छा हाँ ठीक है तो मैं भी कोशिश करती हूँ। कोमल भाभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और रविवार से पहले सोमवार नहीं होता है। दया भाभी ये कैसी शायरी है? मेरा ऐसा ही है, जो भी मुंह में आता है शायरी बन जाती है। चलो चलो बहुत हो गया मजाक मस्ती, वहाँ चेंजिंग रूम में जल्दी से चेंज करके आ जाओ ठीक है। कम ऑन कुछ नहीं होता है ठीक है, धीरे से कम ऑन राइट राइट इट्स ओके कम ऑन ये गुड जॉब गुड जॉब। चलो चलो जल्दी करो लेट हो रहे हम लोग। शर्माना क्यों? हाँ भाभी अच्छा अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। करूं स्विमिंग का कैसे जाऊं सिल्वर क्लब? सेठ जी एक नया गेम मेरे दिमाग में आया है।
जिसमें एक ही सवाल और उसका सिर्फ एक ही जवाब। नटो काका, ये क्या नया गेम खेलने का धतिंग चालू किया आपने? क्या दुकान है, कोई सिल्वर क्लब नहीं है? सिल्वर क्लब? सिर्फ जी, ये सिल्वर क्लब क्या है? अरे यह सिल्वर क्लब वो जगह है जहाँ बबीता जी स्विमिंग सिखाती है। मुझे भी स्विमिंग सीखना है बबीता जी से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा बबीता जी से। एक सुपरहिट फिल्म आपको देखने की बहुत इच्छा है, टिकट खरीदने के लिए आप बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे ही आपका नंबर आता है और हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, कैसा लगेगा उस वक्त? आप बहुत देर से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी ट्रेन एक सेकंड पहले छूट जाए, आप पहुंचते हो और ट्रेन छूट जाए, कैसा लगेगा आपको? ठीक वैसा ही मेरे दोस्त जेठालाल को इस वक्त लग रहा है। लग रहा है सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत इच्छा थी उनकी स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने की बबीता जी से, लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। पहले तो उनके खास दोस्त यानी कि तारक मेहता यानी मैंने मदद करने से इनकार कर दिया, और अब बबीता जी ने भी इनकार कर दिया स्विमिंग सिखाने से। जेठालाल की जान इस वक्त पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रही है, इधर पसीने से नहाए हुए वो और उधर स्विमिंग पूल में नहाती हुई गोकुलधाम सोसाइटी की तमाम महिलाएं, लेकिन जेठालाल को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि करें तो करें क्या स्विमिंग पूल में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे, और वो रास्ता ऐसा होगा जिसमें आप सभी डूब जाएंगे। हाँ हाँ, स्विमिंग पूल में नहीं, हंसी में, ठहाकों में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये तो उल्टा गरबा है। देखो गरबा में ऐसे करते हैं और उल्टा गरबा में ऐसे करते हैं। भाभी बोलो ना आप। क्या दया भाभी, स्विमिंग सीखने आए हैं आप, गरबा करने नहीं आए यहाँ पे? सॉरी। इस ओके आ जाओ यहाँ। हाथ को पीछे। ओके। स्विमिंग किया ना, इसलिए हाथ पैर दर्द होते ही है, हमें रोज प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दर्द नहीं होगा। भाई मैं तो घर पर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पीने वाली हूँ, आप लोग भी आइए, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दरबिन, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं घर पे आराम से जाकर एक घंटा सोने वाली हूँ। क्या रोशन, थक गई हूँ बोलते हैं।
दया भाभी आपको थकान नहीं लगी? अरे वही काय, मैं तो अभी भी 3-4 घंटे स्विमिंग सीख सकती हूँ और फिर भी मैं थकूंगी नहीं। दया भाभी आपके जोश और स्फूर्ति का राज क्या है? हाँ, गरबा और अहमदाबाद का पानी। क्या मतलब डेबिन? मतलब ये है कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है और हम अहमदाबादी कभी थकते नहीं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही लगातार 7-8 घंटे गरबा खेलने की आदत होती है और गरबा में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं और स्विमिंग में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं, तो फिर थकान कैसे लगेगी? डेबिन वाह दया भाभी वाह, थैंक यू। चलो अभी निकले। हाँ चलो, नहीं चलो। माधवी भाभी काश मैं छोटी बच्ची होती। क्यों? तो आप मुझे यूं गोदी में उठाकर मुझे घर तक छोड़ देती। कोमल भाभी आप छोटी बच्ची होती ना तो भी मैं आपको उठा नहीं पाती। आपके बचपन की फोटो देखी है मैंने, तभी भी आप ऐसे ही थे। पापा बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है बेटा। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि काश। क्या पापा? काश मैं डॉक्टर की जगह हलवाई बन गया होता तो जब भूख लगती तब खाने को मिलता। पापा आपका यह सपना मैं पूरा करूंगा, मैं बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ आज से। क्या बेटा ये सब बातें बोलने के लिए अच्छी होती है? तुम्हें बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है पापा, ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना ही है। मम्मी मम्मी कहाँ हो? किचन में क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अरे हाँ कोमल, जल्दी खाना दो ना। क्या बात है यार, थोड़ा आराम तो करने दो। मम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी। नहीं नहीं कोमल देखो ना, भूख के मारे जुबान भी लड़खड़ा रही है। आई नो हंस, पर आज स्विमिंग का पहला दिन था ना तो मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हम लोग होटल से खाना मंगाते ना प्लीज। तुम्हें स्विमिंग में मजा आया? अरे मजा क्या, बहुत मजा आया और हम सबने एंजॉय किया। फिर हम भी होटल से खाना ऑर्डर करके मजा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम रोज स्विमिंग का मजा लो, हम लोग रोज होटल के खाने का मजा लेंगे। क्यों गोली? अपने एरिया के सारे होटल तो जानता ही हूँ मैं। हाँ शगुन होटल। हाँ बलदेव भाई, डॉक्टर हंसराज यहाँ बोल रहा हूँ। हाँ कुछ अर्जेंट ऑर्डर है लिखिए। सब्जी में 2 पालक पनीर, 2 पनीर मटर और 2 पनीर भुर्जी और 2 दाल फ्राई, 10 चीज नान, 2 जीरा राइस, 5 मसाला पापड़, 2 रायता और 5 प्लेट गुलाब जामुन। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कोमल गोली, मैंने अपने खाने का ऑर्डर कर दिया है, तुम लोग क्या खाओगे? पापा आपने जितना ऑर्डर किया ना उतना ही मेरे और मम्मी के लिए। अच्छा। हाँ बलदेव भाई जो मैंने ऑर्डर किया ना उसका डबल कर दीजिए। हाँ जरा जल्दी भेजिएगा। हाँ। ओके थैंक यू। अरे रामा बोलिए। आप नहीं हो, बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अरे 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 माधवी, एक दिन में तुम इतनी थक गई, बहुत नाजुक हो। थैंक यू। थैंक यू? अरे तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, एक दिन में इतनी थक गई तुम। अरे हमारे जमाने में आहो बस पहले से हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, अगर आपके जमाने की बातें शुरू हो गई ना तो सिर दर्द भी चालू हो जाएगा। ठीक है फिर तुम्हारे इस दर्द पर मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय, कल से स्विमिंग बंद। काय तुम्ही पर, शुरू शुरू में स्विमिंग में थकान लगती है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन अब जो ही बंद, क्या मजा आया स्विमिंग में। आया ना, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जरा जल्दी से पानी लेके आइए ना स्विमिंग के लिए, पीने के लिए। माधवी काय तू कठिन है, आई गो दुखता है।
पानी जरा पंखा चालू कीजिए ना आओ जरा पैर दबा के दीजिए ना है? प्लीज प्लीज बर हट दाबा बर हट ऐको दुखता क्या मम्मी इधर दुख रहा है हाँ बेटा यहाँ कर वो खुदा है दुखी रही और रोशन मेरी जान दिल तुझ पे कुर्बान देख तेरे लिए गर्मा गर्म खाना आ गया ओए गर्मा गर्म रोटी और वेज कोल्हापुरी एकदम तेरे जैसे तीखी आ जा जा खाते हैं खाना ओए पापा तुझे ग्रेटा सिंगेस्ट किंग ओए थैंक यू मेरे प्रिंस ओए इस किंग की क्वीन और तेरे लिए स्वादिष्ट एकदम गर्मा गर्म खाना तैयार है चला मिलजुल के खाते हैं रोशन थैंक यू वेरी मच यू आर अ डार्लिंग यू नो व्हाट आज स्विमिंग करने की वजह से मुझे इतनी थकान और इतनी भूख लग रही है कि पूछो ही मत पर यू नो स्विमिंग करने में मजा बहुत आया हा? ओए रोशन मेरी जान और मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाता हूँ फिर देख तेरे को और भी मजा आएगा मेरी किंगी क्वीन सच्ची मुच्ची ओ खुदाए अब बोलो बोलो आ जा मेरी पत्थर आ मेरी जान आ जा जी आ जा थैंक यू ये आया वेज कोल्हापुरी क्या बताऊँ आपको बबीता जी ने फिर मुझे कहा कि दया भाभी एक हाथ ऐसे करते हैं दूसरा हाथ ऐसे करते हैं तो मैंने कहा अरे ये तो गरबा की उल्टी ताली हुई मतलब गरबा में हम ऐसा करते हैं और स्विमिंग में हम ऐसा करते हैं ऐसे ऐसे फिर मैंने एक हाथ ऐसे किया फिर दूसरा हाथ ऐसे किया फिर धीरे धीरे करते पास करने लगी फिर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में तैर नहीं रही हूँ कितनी स्फूर्ति बची है अभी भी तेरे में इतना स्विमिंग करके आई तो थक नहीं गई नहीं नहीं अरे मेरी माँ कहती है कि थकते वो लोग हैं जो दिमाग से थके हुए होते हैं मैं तो अभी भी एक घंटा तैर सकती हूँ और मैं क्या बताऊँ आप मानोगे नहीं बबीता जी इतना अच्छा स्विमिंग सिखाते हैं कि वो किसी को भी दो दिन में स्विमिंग सिखा सकते हैं अरे बबीता जी तो मछली की तरह तैर रही थी मैं तो उनको ही देख रही थी और आप वहाँ होते ना तो आप भी उनको देखते रह जाते बबीता जी नहीं है बबीता जी जलपरी है जलपरी और क्या बताऊँ आपको उन्होंने पानी में ऐसी नहीं मरी कि मैं मन ही मन बोल पड़ी वाह क्या नहीं मरी है बस करो या तुम्हारा स्विमिंग पुराण बंद करो स्विमिंग आपको अचानक क्या हो गया आपके पेट में गड़बड़ है नहीं मतलब गड़बड़ हो तो ठंडी सोडा पीकर आइए अच्छा हो जाएगा मुझे कोई सोडा वोडा नहीं पीनी है तू जा पीनी है तो तू पी के आ जा अचानक इनको क्या हो जाता है पहले शांति से सुनते फिर अचानक गुस्सा हो जाता तो पत्नी को बुरा नहीं लगे क्या लगे मुझे भी बनना है जलपरा बबीता जी तो जलपरी है जलपरी अगर आप वहाँ पर होते तो आप उनको देखते ही रहते अगर वो चाहे तो किसी को भी दो दिन में
कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर आऊंगा। उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन बबीता जी से कल मैं स्विमिंग सीख कर आऊंगा। भाती भाई होटल से इतना सब कुछ मंगाने के बाद भी पेट नहीं भरा। भाई मेरा तो ऐसा ही है, क्या करूं कितना भी खाना मंगाऊं कमी पड़ता है, जजमेंट ही नहीं मिलता। जजमेंट कहां से मिलेगा, एरिया कितना बड़ा है। सही बात है। ओहो क्या बात है, आइए आइए लैला मजनू। अरे भाई जोड़ी मिसाल तो ठीक दे भाई, अरे लैला मजनू की लव स्टोरी तो ट्रेजिक लव स्टोरी है। मजनू ने तो लैला के लिए पत्थर खाए थे, मिल ही नहीं पाया बेचारा। हम तो ओ मेहता साहब, मैं लैला मजनू के प्यार मोहब्बत और रोमांस की बात कर रहा हूँ जी। फिर ठीक है जोड़ी। वैसे थैंक यू जोड़ी भाई, आपने हमें रोमांटिक कपल तो कहा। मानती हूँ आपके मेहता साहब मुझसे प्यार करते हैं, पर मुझसे ज्यादा वो अपनी किताबों से प्यार करते हैं। एकदम सही बात कही आप नजली भाभी। अरे भाई लेखक अगर किताब और कलम से मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन जनाब की मोहब्बत, इनकी मोहब्बत तो सलाद से शुरू और सलाद में खत्म। और बीच में कभी ज्यादा प्यार उमड़ गया तो करेले का जूस तो है ही। अभी भी मालूम है रेस्टोरेंट में गए, मोहतरमा बड़ी थक गई थी ना स्विमिंग करते करते, भाई खाना घर नहीं खाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट में जाके क्या खाया पता है, सलाद। सलाद के पैसे देके आ रहा हूँ भाई। अरे क्या गलत किया, अरे डॉक्टर को ज्यादा फीस देने से तो अच्छा है ना सलाद के पैसे दे, सच कहा ना भिड़े भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप जैसा अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ना तो डॉक्टर तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। सही बात है। आप तो यहाँ खड़े रहकर गप्पे मारेंगे, मैं घर जाती हूँ, मुझे चाबी दीजिए। जरूर जरूर, चलो आते हैं थोड़ी देर में। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मुझे कहा कि गुड नाइट, मैं तो घर आ ही रहा हूँ। मेहता साहब कौन सी होटल में सलाद खाने गए थे? अरे वो है ना यार भाई अपना बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है सिम्फनी। अरे हाँ हाँ बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। अरे हाँ रोशन भी आज बहुत थक गई थी तो हमने भी खाना होटल से मंगाया और मैंने उसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाया, बहुत खुश हो गई वो। अरे माधवी भी इतनी थक गई थी कि उसके हाथ पैर दर्द करने लगे थे। और आपने उनके हाथ पैर दबाए होंगे। और नहीं तो क्या। फंस गया फंस गया। अरे भाई औरतें अगर इतनी थक जाती है स्विमिंग सीखने से तो उनका स्विमिंग जाना ही कैंसिल कर दो। अरे पोपट लाल, ए पोपट बेड़ा इसका, इसको उड़ा के फेंक देना पड़ेगा यहाँ से। क्यों कैंसिल कर दे, अरे औरतें थक गई थी लेकिन उन लोगों ने इतना एंजॉय किया कि पूछो मत। हाँ कितना एंजॉय किया। अरे यार जेठा लाल नजर नहीं आ रहा, आया नहीं क्या इधर? अरे हाँ जेठा बड़ा कितने, मैं अभी उसको फोन करके पूछता हूँ। मैं तजाब पूछो सोटी। हाँ बोलो छोटी। और जेठा भाई किधर हो, सोडा पीने नहीं आए? नहीं आज जरा थक गया हूँ। थक गया हूँ, और तुम भी स्विमिंग सीखने गए थे क्या? नहीं भाई दुकान में जरा आज ज्यादा काम था। और आ जाना जेठा भाई, सारे यार इकट्ठे हैं। नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं होगा। गुड नाइट। और मेहता साहब जेठा भाई तो थक गया है, वो तो नहीं आ रहा। चलो भाई उसकी मर्जी, हम लोग भी चले घर। ठीक है। हाँ हाँ लैला मजनू का इंतजार जो कर रही है। भाई लैला मजनू का तो पता नहीं छोटी, लेकिन भिड़े की राम आदमी भाभी जरूर देख रही होगी। हाथ पांव जो दबाने हैं। हाँ नटू काका। अरे हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नटू काका, सुनिए जेठालाल बोल रहा हूँ मैं, जरा गोरेगांव होके आ रहा हूँ। और क्या उधर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कुछ एग्जीबिशन लगा है तो जरा देखता हूँ कुछ नया प्रोडक्ट वोडक्ट आया हो तो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा संभाल लेना दुकान, छोटी छोटी बात में मुझे फोन मत करना, ठीक है? ओके चलो जेठालाल काउंटडाउन शुरू हो गया है, शुरू कर दो अपना मिशन सिल्वर क्लब। बाबूजी
दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ पापा, पापा आज हॉलीडे तो चलो ना जू चलते। टप्पू बेटा हॉलीडे है तो सब जानवरों को भी हॉलीडे मनाने दो, हाँ? वैसे तो रोज सब लोग उनको परेशान करते ही है, हाँ? तो पापा चलो ना कहीं और चलते। टप्पो अपने पापा को दुकान जाने दे, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊँ। हाँ बापूजी तो फ्री ही है। नहीं मतलब बराबर बोल रहे बापूजी, अब बापूजी ले जाएंगे तुझे। तू बताइए दादाजी कब जाना है। पहले मुझे ये बता तूने अपना कमरा ठीक किया। टपूड़ा मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपना कमरा ठीक रखा कर, सारी किताबें इधर उधर पड़ी है। चल पहले कमरा ठीक कर वरना घुमाने नहीं लेके जाऊंगा। चल 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 बेटा चल। रास्ता क्लियर है, निकल पड़ अपने मिशन सिल्वर क्लब पर। टप्पू के पापा क्या बात है, आज आप बूंदी के लड्डू से बिखरे हुए बूंदी की तरह बिखरे बिखरे से क्यों लग रहे हैं? क्या बोल रही है तू, अरे मिसाल तो समझ में ऐसी दे। मेरा ऐसा ही है, जो भी मुंह में आता है मिसाल बन जाता है। तो तुम्हारा मुंह में क्या बूंदी है भाई? तो खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आज आप कुछ टेंशन में है? नहीं। हाँ तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, सुबह से देख रही हूँ हो ना हो आपको जरूर कोई टेंशन है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। चलो अब फाइनली शुरू होने जा रहा है मिशन सिल्वर क्लब। इंसान बौखलाहट में जिस चीज के पीछे जितनी तेजी से भागता है उतनी ही तेजी से वो चीज उससे दूर भागती है। सफलता तभी मिलती है जब संयम और समझ हो। बरोबर है। अरे जेठालाल। ओहो ये अभी जरूर स्विमिंग पूल की कुछ बात करेगा। सुप्रभात। हाँ ठीक है। ए भाई क्या ठीक है क्या? अरे भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर कोई सुप्रभात बोलता है तो सामने से हंसकर सुप्रभात बोलते है। सुप्रभात। बस एक मिनट, कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं अंदर जा रहा हूँ। ये रास्ता किधर जा रहा है? बाहर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो बाहर जा रहे हो? कुछ और पूछता हूँ, कल रात को सोडा पीने क्यों नहीं है? ओ जरा सो गया था। क्यों बहुत थक गए थे? कसा जमता तुला काय ये फालतू जी पंचायत। और जेठा बड़ा और सवेरे सवेरे कितने दुकान भाई और किधर दुकान? ओ आज तो बैंक हॉलीडे है यार। अरे लेकिन मैं कहाँ बैंक में काम करता हूँ भाई। हाँ ये बात भी सही है। और जेठा बड़ा कुछ मैनेज करो ना, आज छुट्टी वुट्टी का दिन है यार, चलो मिलजुल के कहीं जाते हैं, प्रोग्राम शुरू मनाते हैं। नहीं नहीं छोटी मुझे दुकान में बहुत काम है भाई, मैं नहीं आ सकता हूँ। चलो ना यार जेठा बड़ा खूब मजा आएगा। अरे भाई बोला नहीं कर सकता हूँ भाई, हा? कभी किसी और दिन जाएंगे ठीक है। अरे क्या काम वाम में तुम लगे हो, आज छुट्टी का दिन है, चलो ना यार मिलजुल के कुछ मैनेज करो, ट्राई करो, मजे शजा करेंगे, बल्ले चले करेंगे, गरबा शरबा हो, चलो चलो। इतनी रिक्वेस्ट कर रहे तो मान जाओ ना जेठालाल। हाँ भाई ये फ्री है, ये आएगा तुम्हारे साथ, जाओ जाओ जाओ। अरे जेठालाल और जेठालाल और पिडू। हाँ एक मिनट रुक मैं आ रहा हूँ। हाँ आजा आजा। ओए पापा जी। ओ पिडू। सॉरी ये क्या भीड़ू भीड़ू लगा रखा है तुमने, अगर किसी विद्यार्थी ने सुन लिया ना कि तू मुझे भीड़ू कह के बुलाता है तो वो भी उसी नाम से बुलाने लगेंगे। गुड मॉर्निंग भीड़ू सर, कैसा लगेगा ये? और ये तो बहुत अच्छा लगेगा यार, और तू मेरा जिगरी दोस्त है भीड़ू। और कभी देखा मैंने जेठालाल को जेठू बुलाया? मैं तो आपको मैथू बुलाया या अय्यर को अयू बुलाया?
मैं सिर्फ तेरे को बुलाता हूँ क्योंकि तू मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है पिडू। भाई ये तो बता काम क्या है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, छुट्टी का दिन है तो चल कुछ ना मस्ती वस्ती करते हैं, प्रोग्राम शोग्राम बनाते हैं यार। सोरी छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोग्राम करना जरूरी है, जाओ जाकर भाभी जी के काम में हाथ बटाओ। और तू बटाता है वैसे? क्या प्रोग्राम क्या है? अब आया ना लाइन पे। मैं क्या कह रहा हूँ, रोशन बता रही थी कि स्विमिंग में वो खूब मजे कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं ना उनके साथ, 1-3 स्विमिंग करने और खूब मजे मजे करते हैं यार। सोड़ी जेठालाल की तरह बात मत कर यार। अरे 1-3 सिर्फ लेडीजों का टाइमिंग है, हम लोग कैसे जा सकते हैं? ओ यार मैं खाली जेंट्स लोगों की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी साथ में जाएंगे, हमारी फैमिली पूरी उधर स्विमिंग करेगी यार। तेरी फैमिली वाला पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्लब वाले परमिशन देंगे। अब पिड़े यार एक बार ट्राई तो करते हैं, बी पॉजिटिव यार। अरे ट्राई तो कर, एक काम करते हैं सोड़ी, हम लोग मेहता साहब के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल, क्या बात है, तो मैं बाकी सबको भी बुला लेता हूँ। और डॉक्टर आती, और पापा। अरे हड़ू। अरे भाई साहब, मैनेजर कहाँ मिलेगा? कौन सा मैनेजर? क्यों, यहाँ कितने मैनेजर है? अरे यहाँ 5 मैनेजर है। हाँ, एक बैंक मैनेजर है भल्ला साहब जो अभी जिम में है, एक मॉल का मैनेजर है जो कैंटीन में, और एक ट्रैवल कंपनी का मैनेजर है वो अभी सोनाबाद में नहीं स्टीम बाट में है, एक और मैनेजर है जो अपने आप को मैनेजर तो कहता है लेकिन मुझे डाउट है कि वो मैनेजर ही है क्योंकि उसकी शक्ल क्लैक जैसी है, और एक और मैनेजर है। भाई हाँ। अरे मैं क्लब के मैनेजर के बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्लब का मैनेजर। तो ऐसा बोलो ना। अच्छा वो कहाँ मिलेंगे? केबिन में। तो उनकी केबिन कहाँ है? केबिन उधर है। अच्छा लेकिन आप मैनेजर साहब को नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब केबिन में नहीं है। अच्छा तो वो कहाँ मिलेंगे? केबिन में। अरे भाई सुबह सुबह क्या भांग पी के आया क्या? अभी बोलते हैं वहाँ नहीं मिलेंगे, अभी बोलते हैं कैबिन में मिलेंगे, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? अरे मेरा मतलब है कि आप कैबिन में जाके बैठिए, मैनेजर साहब राउंड पे निकले हुए हैं, वो आएंगे फिर आपको मिलेंगे कैबिन में। मैनेजर के आते ही उसको किसी भी तरह पटा लूंगा और फिर मैं सीखूंगा स्विमिंग बबीता जी से। इस डाइविंग बोर्ड पे जितने जंप मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा जंप्स जेठालाल की जिंदगी में। मुझे धनुर्धारी अर्जुन और जेठालाल की जिंदगी में एक चीज बड़ी समान लगती है, दोनों का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर। धनुर्धारी अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख, और जेठालाल का एक ही लक्ष्य इन दिनों बबीता जी से स्विमिंग सीखना। और इस चक्कर में मैनेजर के पास आ गए हैं स्विमिंग पूल के कि भाई बबीता जी से किस तरह स्विमिंग सीखें। लेकिन देखिए साहब, कंट्रोल में नहीं होते ना हर हालात, जैसे आपके कंट्रोल में महंगाई नहीं है, आपके कंट्रोल में पानी की समस्या नहीं है, वैसे जेठालाल के कंट्रोल में उनके हालात नहीं है। अब जब हालात कंट्रोल के बाहर होंगे तो हंगामा तो हो गई, और इस बीच एक हंगामा सोढ़ी और भिड़े के दिमाग में और उपज चुका है, ये छुट्टी का दिन स्विमिंग पूल में बिताने का, तो इधर हंगामा सीखने का, इधर हंगामा छुट्टी बिताने का, और इन हंगामा के बीच में आपकी हंसी आपके ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लगाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.